नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल फूड फिट टिप्स में। आज हम आपको सिंघाड़े के आटे का हलवा बनाना बताने जा रहे हैं। ये हलवा हम अधिकतर व्रत में खाते हैं। आप चाहें तो नॉर्मली बना के खा सकते हैं, पर ये हलवा हम व्रत में ही खाते हैं। तो हम व्रत के लिए सिंघाड़े के आटे का हलवा बनाना स्टार्ट करें, उसके पहले इंग्रीडियंट देख लेते हैं। सबसे पहले ये हमने 200 ग्राम सिंघाड़े का आटा लिया है, इसे हमने अच्छे से छान के ले लिया है। ये हमने चीनी ली है, चीनी आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, मीठा कम या ज़्यादा खाना पसंद करें तो आप बराबर ले लें, अगर ज़्यादा खाना पसंद करें, नहीं तो थोड़ा सा कम करें। हमने भी यहाँ पे आटे से क्वांटिटी थोड़ा सा कम रखा है चीनी का, 150 ग्राम चीनी लिया है। ये हमने ड्राई फ्रूट लिए हैं कुछ मिक्स, काजू बादाम पिस्ता, अगर आप चाहें तो ड्राई फ्रूट डालें, चाहें तो ना डालें। घी हमने लिया है 4 से 5 चम्मच, आप घी भी अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो चलिए सिंघाड़े का आटे का हलवा बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक पैन गरम करेंगे, अब उसमें हम घी डालेंगे। घी आप अपने हिसाब से, जैसा कि मैंने बताया, कम ज़्यादा कर सकते हैं। ज़्यादा खाना चाहें तो ज़्यादा डालें, नहीं तो आप कम डालें, क्योंकि इसमें घी की मात्रा कोई मायने नहीं रखती है। तो घी हमारा मेल्ट हो गया, अब हम इसमें आटा डालेंगे। तो हम धीरे से आटा डाल देंगे, क्योंकि सिंघाड़े का आटा उड़ता है, तो हम इसे डाल देंगे घी के अंदर और इसे, इसका कलर चेंज होने तक हमें इसे चलाते हुए लगातार भूनना है। गैस मीडियम रखेंगे, वरना ये सिंघाड़े का आटा बहुत जल्दी जल भी जाता है, तो हमें गैस का ध्यान रखना पड़ेगा। मीडियम ही गैस पे हमें भूनना है इसे लगातार चलाते हुए, वरना नीचे से ये ज़्यादा जल जाएगा। तो हम गैस मीडियम ही रखेंगे और इसे चलाते हुए भूज लेंगे। ये हलवा खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है, तो आप चाहें तो व्रत के अलावा भी नॉर्मली बना के खा सकते हैं और सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। इसको बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, झटपट बन के तैयार हो जाता है। इसका कलर चेंज होने तक हमें भूनना है। तो आप देख रहे हैं, अगर हम थोड़ा सा चूक जाएंगे तो हमारा सिंघाड़ा जल जाएगा, इसलिए हमें झटपट इसे लगातार चलाते हुए भूनना है। तो आप देख रहे हैं हमारे आटे का कलर बिल्कुल चेंज हो गया है, काफ़ी हद तक हमारा आटा भुन चुका है। देखिए कलर अच्छे से चेंज हो गया है, और अब हम इसे डायरेक्ट, इसे हम जैसे सूजी का हलवा बनाते हैं वैसा नहीं बनता ये हलवा। अगर हम वैसा बनाएंगे तो हमारे हलवे में बिल्कुल गुठलियाँ पड़ जाएंगी और खाने में टेस्ट नहीं लगेगा। तो हम इसका हलवा हमें बनाने के लिए थोड़ी सी ट्रिक अपनानी पड़ती है। तो अब हम इसके सिंघाड़े के आटे को किसी बर्तन में निकालेंगे, किसी भी बर्तन में बाहर निकाल लेंगे। तो हम सारा आटा, ये देखिए हमने बाहर निकाल लिया, और इसे थोड़ा सा हम ठंडा होने के लिए छोड़ेंगे, जब तक तब तक हम अपनी चाशनी बना लेंगे। तो हम ये चीनी लेंगे, उसी कढ़ाई में हम ये चीनी डाल देंगे, और इसी कटोरी से नाप के या फिर आप अपने अंदाजे से इसमें पानी डालिए। इतना पानी डालिए कि हलवा गीला नहीं हो। तो हम इससे इसी कटोरी से तीन कटोरी या दो कटोरी ऐसा आप आटा लें, तो हम इसे पानी डालेंगे। हमने दो कटोरी पानी डाल दिया, एक कटोरी पानी हम घोलते समय इस्तेमाल करेंगे। इसे हम उबलने देंगे जब तक हमारी अच्छे से चीनी उबल जाए। तो हम इसे चीनी को इसी में घुला लेंगे, तब तक अपना जब तक हमारा चीनी गल रही है, तब तक हम क्या करेंगे, ये आटा जो हमने बर्तन में बाहर निकाला था, अब इसे हमें घोल के तैयार करना है। तो दो कटोरी पानी हमने चीनी में डाली, एक कटोरी पानी से हम ये आटा घोल लेंगे। तो हम इसे घोल के इसलिए डालते हैं, इससे हलवा बहुत ही अच्छा बनता है। अगर हम डायरेक्ट कढ़ाई के अंदर ही पानी डाल दें तो हलवा हमारा बिल्कुल गुठलियाँ पड़ जाएंगी सिंघाड़े के आटे से, और हलवा बिल्कुल टेस्टी नहीं बनेगा, गुलटी गुलटी आएंगी मुंह में खाने में, और खाने में बहुत ही बेकार लगता है। अगर इस प्रकार से बनाएंगे तो हलवा हमारा बहुत ही अच्छा और बिल्कुल अच्छे से बन के तैयार होगा। तो यहाँ पर एक कटोरी पानी का हमने इस्तेमाल किया, अब इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे पानी के अंदर, घोल एक थोड़ा सा ढीला सा पेस्ट बना देंगे, इसे घोल के तैयार कर लेंगे। और देखिए इस प्रकार से गुठलियाँ भी नहीं पड़ती और हलवा भी बिल्कुल अच्छा बन के तैयार होता है। तो ये हमने आटा घोल लिया, आप देख रहे हैं। तो
तो जैसा कि आपने देखा, हमने आटे को घोल के रेडी कर लिया। ये देखिए कुछ इस प्रकार से हमें आटा को घोलना है। ये देखिए बिल्कुल एक स्मूथ पेस्ट बनाना है, जैसे कि हम पकौड़े का घोल बनाते हैं उस प्रकार से बिल्कुल स्मूथ हमने आटा, ये भुंजा हुआ आटा हमने घोल लिया। तो अब चलते हैं चाशनी की तरफ। ये हमने चीनी गलने के लिए रखा था, हमें चाशनी नहीं बनानी, सिर्फ हमें इसको पानी को और चीनी को गलाना है। तो उसी चम्मच से हम काम करते रहेंगे। तो ये देखिए हमारी चीनी कुछ घुल गई है, कुछ थोड़ी थोड़ी रह गई, तो इसे हम डालेंगे हलवे में तब भी घुल जाएगी। तो हम ये आटा हमने घोल लिया है, अब इसे धीरे धीरे डालेंगे और गैस थोड़ा सा तेज करेंगे और इसे लगातार चलाते रहेंगे। तो हम आटा ये डाल देंगे, आटा डालते ही हमारा ये हलवा बिल्कुल गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। तो झटपट हम आटे को डालेंगे और इसे चलाते रहेंगे। आज थोड़ा सा तेज़ी रखेंगे, मीडियम हाइट पे रखेंगे और इसे चलाएंगे। ये देखिए चलाते हुए देखेंगे आप, 2 मिनट के अंदर हलवा बन के तैयार हो जाता है। तो यहाँ पे सावधानी से और झटपट इसे तैयार करना पड़ता है, क्योंकि 2 मिनट भी नहीं लगते इसको बनाने में। और इस प्रकार से ये देखिए बिल्कुल गाढ़ा पेस्ट बन के तैयार हो गया ये हमारा आटा। ये देखिए सारी चीज़ें मिक्स भी हो गई और हमारा हलवा झटपट बन के तैयार हो गया। मुश्किल से 5 से 7 मिनट के अंदर ये हलवा बन जाता है। और आप देख रहे हैं गुठलियाँ भी नहीं पड़ी हैं, क्योंकि हमने आटा अच्छे से घोल के और डाला था, तो गुठलियाँ भी नहीं पड़ी हैं। पानी का ये बस आपको ध्यान रखना है, पानी ज़्यादा नहीं डाले। अगर आप पानी ज़्यादा डाल देंगे तो हलवे को कटोरियों में सर्व करके खाना पड़ेगा। और अगर आप पानी आवश्यकता अनुसार बिल्कुल नाप के डालेंगे तो इसके आप पीसेस थाली में फैला के काट सकते हैं और वो खाने में अच्छे भी लगते हैं, देखने में भी अच्छा लगता है। तो ये देखिए हमने पानी बिल्कुल नाप के डाला था 3 कटोरी, और हलवा हमारा बन के तैयार है। तो यहाँ पे हम गैस ऑफ करेंगे और ड्राई फ्रूट चाहें तो आप यहाँ पर थोड़ा सा डालें, इसमें ड्राई फ्रूट आप चाहें तो डालें चाहें तो नहीं, बिल्कुल ऑप्शनल है। हम डाले दे रहे हैं क्योंकि बच्चों को ड्राई फ्रूट की वजह से हलवा बहुत ही खाने में अच्छा लगता है। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा डाल देंगे और थोड़ा सा डेकोरेट करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो हमने डाल दिया और गैस हमने बंद कर दिया है। तो अब हमें क्या करना है, एक थाली लेंगे। तो यहाँ पे हम थाली लिए और थाली में हमें घी लगाना है। घी पूरा अच्छे से फैला देंगे पूरी थाली में, ताकि हमारा हलवा आसानी से निकल जाए। तो हम पूरी थाली में ब्रश या फिर हाथ से जैसा आप चाहें, यहाँ पे हमें पूरी थाली के अंदर हलवा लगाना है। तो हम ऐसे उंगलियों से लगा देते हैं ताकि अच्छे से लग जाए पूरी थाली में। और इसका करने से हलवा बिल्कुल आसानी से झटपट निकल जाएगा। निकल वैसे भी जाता है ये हलवा, लेकिन हम थोड़ा सा सावधानी से बनाएं ताकि अच्छे से निकल जाए। तो यहाँ पे हम घी का इस्तेमाल कर लेते हैं। ये देखिए हमने पूरी थाली में अच्छे से घी लगा दिया है। तो हमने घी लगा दिया, हलवा भी हमारा बन के तैयार है। तो अब इस हलवे को हम इसी थाली में ट्रांसफ़र करेंगे। तो हम थोड़ा थोड़ा करके हलवा डालें, चाहे तो पूरा डाल दें। तो हम सारा हलवा इसी प्रकार से थाली में डाल के और फैलाएंगे। तो ये देखिए हमने थाली में पूरा फैला लिया, डाल दिया है। तो अब इसे हमें फैलाना है। तो फैलाने के लिए पहले हम ये चम्मच में जो लगा इसे निकाल देते हैं। ये झटपट हमें फैलाना पड़ेगा, इसे फैलाने में भी जल्दी हाथ चलाना पड़ता है, वरना ये जल्दी से जम जाता है। तो हम इसे फैला देंगे इस प्रकार से, पूरी थाली में हमें फैलाना है। तो हम जल्दी जल्दी हाथ चलाते हुए इसे फैलाएंगे। चम्मच की सहायता ले लेते हैं, इसे जल्दी फैलेगा। ये बनाने में जितना ही आसान है उतना ही इसे जल्दबाजी में फैलाना पड़ता है, क्योंकि ये बहुत जल्दी जम जाता है। आप चाहें तो वैसे ही कटोरी में सर्व कर सकते हैं जैसा कि मैंने बताया, पर कटोरी में सर्व करने में अच्छा नहीं लगता। अगर हम इस तरह फैला के अगर पीसेस करके सर्व करेंगे तो वो देखने में बहुत ही अच्छा लगता है और बच्चे पीस उठा के आराम से खा लेते हैं। तो अगर आप चाहें तो फैलाएं, चाहें तो कटोरी में सर्व कर दें। हलवा तो बन ही गया है हमारा। यहाँ पे हम ड्राई फ्रूट डाल देंगे, जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो आप डाल सकते हैं, नहीं तो ऐसे ही ये हलवा सर्व किया जाता है। तो हम यहाँ पे डाल देंगे थोड़ा थोड़ा, छोटे छोटे पीसेस में हमने कट किया है। अब इसे हम ठंडा होने के लिए थोड़ी देर छोड़ेंगे।
मुश्किल से 2 मिनट के लिए छोड़ना है बस, और इसके पीस आसानी से कट जाएंगे। अभी काटेंगे तो अच्छे से परफेक्ट पीस नहीं कटेंगे, तो हम सिर्फ 2 मिनट के लिए इसे छोड़ते हैं और फिर आपको काट के दिखाते हैं। तो हमने 2 मिनट इसे ठंडा कर लिया है, 2 मिनट ही हमें ठंडा करना है, ये परफेक्ट पीस का कट के तैयार हो जाते हैं। ये देखिए जैसे आप चाहें मनचाहे आकार से इसके पीस कट करेंगे। तो हम इसके पीस ये देखिए हमने कट कर लिया। तो हमने पीस कट कर लिया, अब इसे निकालेंगे और सर्व करने के लिए किसी प्लेट में प्लेटिंग कर लेंगे। तो अब हम हलवा के पीसेस उठाएंगे और किसी भी प्लेट में सर्व करेंगे। तो हम इसे उठाएंगे, ये देखिए बिल्कुल आसानी से और सावधानी से ये निकल जाते हैं। ये देखिए हम किसी भी प्लेट में रख लेंगे इसे, तो हम उठा उठा के प्लेटिंग कर लेते हैं और फिर सर्व करेंगे। आप अपने मन चाह आकार में इसे काट सकते हैं, छोटे या बड़े जैसा आप चाहें वैसा। तो ये देखिए हमने काट के रख लिया है। तो ये देखिए हमने हलवा बनाया और इसे सर्व किया, आप देख रहे हैं देखने में कितना टेस्टी लग रहा है। तो आप इसे व्रत के दिनों बनाएं या नॉर्मली बनाएं तो बना के खाइए, ये झटपट बन जाने वाला हलवा है और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। तो आप इस हलवे को बनाइए, खाइए, खिलाइए। और अगर आपको हमारे हलवा की रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी लोगों को नमस्कार, धन्यवाद।